कब मनाएं रक्षाबंधन का पर्व, 11 या 12? जी हाँ, अगस्त 11 और 12 2022 में कब मनाएं रक्षाबंधन, इसी विषय को समझने के लिए हम आइए पंचांग की तरफ चलते हैं और निर्णय लेते हैं कि कब मनाना चाहिए रक्षाबंधन। वास्तव में प्रत्येक त्यौहार तिथियों के हिसाब से ही चलते हैं। इस बार रक्षाबंधन में कुछ अजीब सी दुविधा है और वो दुविधा क्या है हम आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिए, रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भद्रा रहित अपरान व्यापिनी पूर्णिमा में करने का विधान है शास्त्रों का। कहा गया है कि भद्रायाम द्वयन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा सावन का महीना और फाल्गुन के महीने में जो त्यौहार आते हैं उसमें भद्रा में कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी कि राखी नहीं बांधना चाहिए अन्यथा नुकसान होता है भाई का बहन का। अगर पहले दिन व्याप्त पूर्णिमा के अपराह्न में भद्रा हो और दूसरे दिन उदयकालिक पूर्णिमा तिथि त्रिमुहूर्त व्यापनी हो तो उसी उदयकालिक पूर्णिमा दूसरे दिन के अपराह्न काल में रक्षाबंधन करना चाहिए, चाहे वो अपराह्न से पूर्व ही क्यों न समाप्त हो जाए, क्योंकि उस समय साकल्यपादित पूर्णिमा का अस्तित्व होगा। पुरुषार्थ चिंतामणि में लिखा हुआ है कि यदा द्वितीय परहणात पूर्वम समाप्ता तदापि भद्रायाम द्वयन कर्तव्ये, परंतु यदि आगामी दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी न हो तो पहले दिन भद्रा समाप्त होने पर प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन करने का विधान कहा गया है। इसलिए इस वर्ष 11 अगस्त 2022 ईस्वी को अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में भद्रा दोष व्यापक है, अतः आगामी दिन 12 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है। अतः ऐसी अवस्था में करें तो क्या करें, राखी कैसे बांधे? पूर्णिमा केवल प्रातः काल 7:06 पर ही समाप्त हो रही है 12 तारीख को, अतः उपरोक्त शास्त्र निर्णय के अनुसार तो 11 अगस्त शुक्रवार गुरुवार को ही प्रदोष काल के समय भद्रा रहित काल में यानी भद्रा ना हो। तो ऐसा काल कौन सा है? 8:53 सायं रात्रि में 8:53 के बाद रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकेगा 11 अगस्त को। यहां इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि प्रदोष काल की समाप्ति से पहले ही रक्षाबंधन कर लेना चाहिए, अर्थात निशीथ काल आरंभ होने से पहले, निशा काल आरंभ होने से पहले ही ये रक्षाबंधन मना लेना चाहिए। अब क्या करें? उत्तर है 11 अगस्त 2022 ईस्वी को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि में प्रदोष काल लगभग 7:11 रात्रि में 7:11 से लेकर के 9:50 तक रहेगा प्रदोष काल। अब 11 अगस्त गुरुवार को सभी धर्मनिष्ठ लोगों को भद्रा समाप्ति 8:53 रात्रि में 8:53 के बाद तथा 9:50 से पहले यानी 1 घंटे के भीतर रक्षाबंधन कर लेना चाहिए, परंतु अत्यंत आवश्यक परिस्थितिवश कोई यात्रा के कारण बहने जाती हैं भाइयों को राखी बांधने, भ्रमण सुविधा ना उपलब्ध होने पर कईयों के भाई फौज आदि में ड्यूटी आदि कार्यों में लगे रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? इसका परिहार स्वरूप भद्रामुख 6:20 शाम को और 8:02 तक भद्रामुख है, इस काल का त्याग कर दें, यानी 6:20 से 8:02 तक रक्षाबंधन ना करें, राखी ना बांधें। ठीक है, भद्रा पुक्ष काल
5:17 सायंकाल से 6:20 तक में भी रक्षाबंधन करना शुभ एवं ग्राह्य होगा। यानी 5:18 से 6:20 तक में भी रक्षाबंधन करना शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त 11 अगस्त गुरुवार को चंद्रमा मकर राशिस्थ और भद्रा पाताल लोक में होने से भी भद्रा का परिहार होगा। अतएव शास्त्र अनुसार तो 11 अगस्त गुरुवार को ही भद्रा के बाद प्रदोष काल 8:53 से लेकर के 9:50 तक रक्षाबंधन मनाना चाहिए, यानी 11 अगस्त को। परंतु पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर आदि प्रदेशों में प्राचीन काल से ही उदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन प्रातः काल को ही रक्षाबंधन एवं मनाने का पर्व मनाने का प्रचलन होता है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि प्रदेशों में कुछ लोग 12 अगस्त को शुक्रवार त्रिमुहूर्त न्यून पूर्णिमा के दिन ही सुबह 7:06 से पहले अर्थात उदय कालिक पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे पंजाब और हिमाचल आदि के लोग। लेकिन जिन लोगों को मैंने पहले बता दिया कि मतलब 11 अगस्त को नहीं कर पाते, 12 को नहीं करते, तो 11 को ही कर ले। लेकिन 11 तारीख को जो समय मैंने बताया उस हिसाब से ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। इससे सभी का मंगल होता है, भाई बहनों में विशेष प्रेम होता है और ऐसी अवस्था में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगते हैं भगवान से, और भगवान की कृपा से बहनों का आशीर्वाद मिलता है, भाइयों को लंबी उम्र मिलती है। अतः इन स्थितियों में यह निर्णय मान्य होगा। पंचांग दिवाकर के अनुसार ये अत्यंत श्रेयस्कर मुहूर्त होगा जिसमें आप लोग रक्षाबंधन कर सकते हैं। माने 11 अगस्त 2022 ईस्वी को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। भद्रा समाप्त हो जाएगा 8:53 पर 11 अगस्त को और 9:50 से पहले अर्थात 1 घंटे के भीतर रक्षाबंधन कर लेना चाहिए 11 अगस्त को। फिर से कहता हूँ, 8:53 के बाद 9:50 से पहले 11 अगस्त को रक्षाबंधन कर लेना चाहिए, अन्यथा दूसरे दिन 7:06 से पहले रक्षाबंधन कर ले। मान लीजिए ये मुहूर्त के हिसाब से आप रक्षाबंधन नहीं कर पाते तो क्या करें, भगवान गणेश जी को रक्षाबंधन अर्पण कर दें। गौरी गणेश को अर्पण करने के बाद, अपने इष्ट देवता को अर्पण करने के बाद, फिर वो राखियाँ आप अपने भाइयों को बांध सकते हैं। तो बस इस जानकारी के साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। जैसा भी आपको उचित समझे, उचित लगे, वैसा करें। आप सभी को मेरा रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाओं के साथ ही साथ ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।